Good morning everyone. Hi, this is Janish Kutha here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So students, aaj hum shuru karenge sum number 14 ke saath, jo hamare 11th standard ki textbook mein diya hua hai. The chapter that we are dealing is final accounts of proprietary concern. Page number 331 hai. Page 331, sum number 14. So aaiye students, hum log kya karenge? Hum log discuss karenge sum ko from the following terms of Jyoti Trading Company. Jyoti Trading Company students, hume kya banana hai? Trading account banana hai, profit loss account banana hai aur balance sheet banani hai. अच्छा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है और एडजस्टमेंट दिया है तो आइए पहले हम सबको रीड कर लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं समझ लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है स्टॉक एज एन फर्स्ट टेबल तो फर्स्ट टेबल को जो स्टॉक होगा वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगा जो ट्रेडिंग में आएगा सेल्स रिटर्न तो स्टूडेंट सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे सेल्स से लेस कर दे लेस फ्रॉम सेल्स करेंगे क्या करेंगे लेस फ्रॉम सेल्स और आपको चाहिए तो यहाँ पे सामने सेल्स को टिक कर लो क्योंकि वहां पर आपको एक लाइन छोड़नी होगी लूज टूल सो लूज टूल इज अ फिक्स असेट डेटर्स डेटर्स हमारे लिए करंट असेट है बिल रिसेबल इज अ करंट असेट परचेज परचेज माल गुड्स परचेज क्या वो ट्रेडिंग में आएगा स्टूडेंट्स फर्नीचर फर्नीचर इज अ फिक्स्ड असेट से सैलरीज तो सैलरीज कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स पीएनएल में आएगा बिकॉज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है वो सारा का सारा कहाँ आता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कैरेज आउटवर्ड आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग होता ओके लीगल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस गुडविल गुडविल स्टूडेंट्स असेट है इट्स एन इंटेंजिबल असेट ओके आप लोग याद रखना एक इंटेंजिबल असेट है अच्छा फिलहाल मैं क्रेडिट साइड को डिस्कस कर रहा हूँ कैपिटल दिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी में आएगा आरडीडी तो स्टूडेंट्स फॉर्मुला में आएगा मैं पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स का फॉर्मुला लिखने वाला हूँ आरडीडी यहाँ पे फॉर्मुला लिख लो कौन सा फॉर्मुला आएगा बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मुला डालेंगे जिसमें आरडीडी भी आता है सेल्स ट्रेडिंग गुड्स हमने गुड्स बेचा इसीलिए परचेज रिटर्न तो जिस तरह से सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स होता है तो परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज होगा स्टूडेंट्स और परचेज को टिक कर लो उसमें भी हमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी नेक्स्ट क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स क्या होगा करंट लाइबिलिटी बिल्स पेबल भी करंट लाइबिलिटी और डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का आएगा स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस चलो ग्रेट अब मैं क्या कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ हमने गुडविल तक डिस्कस कर दिया है सो लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ओके हमने कहा था गुडविल तक डिस्कस कर दिया था सो मूविंग फॉरवर्ड उसके नीचे फिक्स असेट मशीनरी इज अ फिक्स असेट वेजेस वेजेस भी फैक्ट्री के वर्कर्स को देते हैं स्टूडेंट्स तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बैंक इज माई करंट असेट बैंक के अंदर बैलेंस होना बैंक के अंदर जो भी बैलेंस है वो मेरा असेट हो गया ड्रॉइंग्स तो स्टूडेंट्स ड्रॉइंग्स का करेंगे लेस फ्रॉम कैपिटल करेंगे लेस फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट असेट में आएगा ड्रॉइंग्स और कैपिटल दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्ड है ये आपको याद रखना है चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स जिस तरह से ऑल द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट वो एक ही इफेक्ट आता है लेकिन एडजस्टमेंट्स दिए हुए नए ट्रांजैक्शंस है और ट्रांजैक्शंस के कितने इफेक्ट आएंगे स्टूडेंट्स दो इफेक्ट आएंगे सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है जिसका कॉस्ट प्राइस 58,000 और मार्केट प्राइस 60,000 है तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा कौन सा लेना विच एवर इज लोअर अकाउंटिंग के अंदर कंजर्वेटिज्म रूल है कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि ऑलवेज प्ले सेफ असेट को कम से कम भाव पे अपन रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ताकि कल जब बेचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा भाव में बेचेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें कौन सा अमाउंट लेना है विच इज लोअर और क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट साइड तो एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड ओके तो जब मैं सब सॉल्व करूंगा मैं आपको वापस वापस बताते जाऊंगा अच्छे से नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ राइट ऑफ 1200 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स है बताओ मेरा बैड डेब्ट्स कौन कर सकता है स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ मेरे डेटर्स ही मेरा बैड डेब्ट्स कर सकते हैं क्यों बिकॉज वो डेटर्स ही है जिससे मुझे कुछ उम्मीद है जो मुझे पैसे देंगे लेकिन अगर डेटर्स ने पैसे नहीं दिए तो वो मेरा बैड डेब्ट्स हो जाएगा तो स्टूडेंट्स अगर डेटर्स पैसे नहीं देगा तो एक तो डेटर्स से लेस हो जाएगा और सेकंड बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा ऐड टू बैड डेब्ट्स लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स क्यों डेटर्स पैसे नहीं देंगे तो डेटर्स कम होगा और असेट कम होना तो बहुत बुरी बात है तो वो बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा तो ये पूरा जो लाइन है 1200 रुपीज और 2% ऑन डेटर्स इन दोनों का सेम इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम डेटर्स ऐड टू बैड डेब्ट्स मूविंग फॉरवर्ड सेम ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अच्छा डिस्काउंट मतलब हो सकता है कि हमारे क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया 5% डिस्काउंट दिया तो अच्छी बात है क्रेडिटर्स को भी लेस कर देंगे और अब क्रेडिटर्स का लेस होना तो बहुत अच्छी बात है क्रेडिटर्स अगर लेस हो गया स्टूडेंट्स हमारे क्रेडिटर्स मतलब हमारी लाइबिलिटी है जो कम हो रही है उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है तो इट्स डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये पीएनएल क्रेडिट में जाएगा सेकंड इफेक्ट तो क्रेडिटर्स से लेस करेंगे और ये अच्छी बात है तो सेकंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल क्रेडिट साइड थर्ड वन लूज टूल इज वैल्यू 52 देखो लूज टूल का वैल्यू 55,000 दिया हमें ऊपर स्टूडेंट्स और यहाँ पे वो 52,000 हो गया और फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना चलो दोनों को टिक कर लो आप लोग लूज टूल को भी टिक करो फर्नीचर को भी टिक करो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ वैल्यू कम होना तो एक तो असेट में से हम वैल्यू कम कर देंगे लेस फ्रॉम असेट कर देंगे एंड सेकंड स्टूडेंट्स क्या होगा
PNL debit side. That's from asset PNL debit side. Asset से less होना and second effect PNL debit side. Okay? चलो तो आप लोग बाकी सबको भी टिक कर लो students. आपको चाहिए तो creditors को टिक कर लो, debtors को टिक कर लो, bad debts को टिक कर दो. Bad debts, debtors, creditors, loose tools, furniture, इन सब में adjustment है और जो भी चीज में adjustment रहेगा उसको आपको टिक करना है. नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ओके तो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा मतलब जो पेंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे, ऐड टू एक्सपेंस. चलो टिक कर लो फिर से. किसको टिक करेंगे? सैलरीज और वेजेस दोनों को टिक करेंगे स्टूडेंट्स. सैलरीज और वेजेस को टिक करो. और आउटस्टैंडिंग खर्चा इज अ लाइबिलिटी. ये हमारे लिए क्या एक तरह से लाइबिलिटी है. ओके अब लास्ट वाला फिफ्थ वाला स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, शांति से सुनना एकदम. अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीज होती है. तो स्टूडेंट्स देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है. क्यों? बिकॉज कैपिटल खुद एक लाइबिलिटी और लाइबिलिटी के ऊपर ब्याज लगना तो ऑब्वियसली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंस. तो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? ड्रॉइंग्स तो कैपिटल का एकदम ऑपोजिट है. ड्रॉइंग्स या स्टूडेंट्स कैपिटल का एकदम ऑपोजिट. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्सपेंस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? हमारे लिए इनकम हो जाएगा. यू गेटिंग इट? चलो देखो अभी हमारा लास्ट स्टेटमेंट हमें वही बोलता है, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. तो स्टूडेंट्स अभी दो इफेक्ट क्या आएगा? तो सबसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेस फ्रॉम कैपिटल करेंगे. लेस फ्रॉम कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट तो ब्याज चढ़ता है, ब्याज चढ़ता है तो ऊपर ऐड कर देंगे, ऐड टू कैपिटल करेंगे स्टूडेंट्स. और लायबिलिटी का बढ़ जाना तो बुरी बात है, तो उसको सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट में देंगे. ओके तो सिमिलरली स्टूडेंट सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने ऐड टू कैपिटल किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है स्टूडेंट्स. तो अब क्या होगा, जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा स्टूडेंट्स तो वो हमारा कैपिटल से लेस हो जाएगा. क्यों? फर्म ने अभी उधार दिया, फर्म ने किसको उधार दिया है? ओनर को. तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना तो हमारा कैपिटल लेस होगा. खाली ड्रॉइंग्स वर्ड भी लेस फ्रॉम कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेस फ्रॉम कैपिटल होगा. और कैपिटल का कम होना तो अच्छी बात है, तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल के राइट साइड. तो आप लोग एकदम शांति से सुन लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म. अच्छा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो कैपिटल में ऐड होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा तो वो कैपिटल से लेस होगा. जिस तरह से ड्रॉइंग्स लेस होता है उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेस होगा. और कैपिटल ऐड होना तो बुरी बात है, लायबिलिटी का बढ़ना तो पीएनएल डेबिट साइड, और ये वाला हमारे लिए इनकम है तो इसका जाएगा पीएनएल क्रेडिट साइड. चलो आई होप आप लोग ने समझ लिया और आपने कॉपी कर लिया हो जी. फिर से जब मैं सम सॉल्व करूंगा आप लोगों को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम क्या करेंगे अब, मैं इस पूरा पार्ट को रब करूंगा और हम क्या करेंगे अब सम की ओर बढ़ेंगे. चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पूरा फॉर्मेट बना चुका हूँ. मैं यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ ज्योति ट्रेडिंग कंपनी, और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट तीन अकाउंट बना दिए हैं. ओके और एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ओके सो सम की शुरुआत करेंगे. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक में 9,500 rupees. मूविंग फॉर सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिखेंगे पहले बाय सेल्स लिखेंगे स्टूडेंट्स और लेस क्या करेंगे उसमें से सेल्स रिटर्न करेंगे. ओके और सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना दिया हुआ है 750. आफ्टर दैट नेक्स्ट लूज टूल्स. ओके चलो लूज टूल्स में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. तो लूज टूल्स अमाउंट है 55,000 rupees. नेक्स्ट इज डेटर्स. ओके डेटर्स को थोड़ा नीचे लिखेंगे बिकॉज वो करंट असेट में जाता है. और डेटर्स में दो एडजस्टमेंट है, आपको तीन लाइन छोड़नी है याद रखकर 50,800. ओके सो दो एडजस्टमेंट होगा, तीन लाइन छोड़ेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल, दो तीन. चलो ठीक है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, एक दो तीन. ओके तो यहाँ पे एक दो तीन लाइन छोड़ दी, यहाँ पे बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल लिखेंगे हम लोग. ओके बिल रिसीवेबल का अमाउंट स्टूडेंट्स कितना है, 4,000 rupees है, 4,000 rupees. ओके मैं लूज टूल्स को स्टूडेंट सेकेंड लाइन में लिख रहा हूँ बिकॉज ऊपर वाले लाइन में क्या हो सकता है, वहाँ पे हमें आगे जाकर गुडविल आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे लूज टूल्स को एक लाइन नीचे लिख रहा हूँ. फाइन आफ्टर दैट बिल रिसीवेबल के बाद स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, परचेज दिया 29,455. चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे अपन टू परचेज और हमेशा परचेज में से क्या होगा, लेस परचेज रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न. ओके परचेज का अमाउंट कितना दिया हुआ है 29,455. ग्रेट. फर्नीचर है 15,000 rupees, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है. ओके फर्नीचर जिसका अमाउंट है 15,000 rupees. नेक्स्ट आफ्टर दैट सैलरीज में भी एडजस्टमेंट है, 5,000 rupees लगा, टू सैलरीज 5,000, कैरेज आउटवर्ड 3,000, टू कैरेज आउटवर्ड
3000 नो एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट होगा डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में लिख देंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अगर एडजस्टमेंट होगा तो आपको क्या करना है, फिर उसको डिटेल कॉलम में लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, लीगल एक्सपेंसेस, टू लीगल एक्सपेंसेस और अमाउंट है 2000, कैरेज आउट फॉर्म 3000 में लिख दिया था। ओके, उसके बाद इंश्योरेंस है, टू इंश्योरेंस और इंश्योरेंस का अमाउंट रहेगा 2200। नेक्स्ट गुडविल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, गुडविल इंटेंजिबल एसेट होता है इसलिए मैं इसको सबसे ऊपर लिख रहा हूँ फिलहाल, गुडविल, और जिसका अमाउंट दिया हुआ है हमें नो एडजस्टमेंट 20,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट मशीनरी है 40,000, मशीनरी में भी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है मुझे तो 40,000, ठीक है मशीनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव इज वेजेस। अच्छा, वेजेस स्टूडेंट ट्रेडिंग में आएगा, टू वेजेस और अमाउंट दिया हुआ है वेजेस का 2345, बड़ा अजीब अमाउंट है 2345। बैंक, ओके, तो बैंक बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए करंट एसेट होता है, याद रखना आपको बैंक बैलेंस 30,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल में काफी कुछ आने वाला है तो आपको एटलीस्ट 8-10 लाइन तो मिनिमम छोड़ी देनी है। तो स्टूडेंट्स ड्रॉइंग्स में से क्या लेस करें, कैपिटल में से क्या लेस करें, ड्रॉइंग्स लेस करेंगे, अमाउंट है 8,000। ओके, इन्वेस्टमेंट है 20,000, चलो तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें भी फिलहाल कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है तो एज इट इज 20,000 लिख के छोड़ देंगे। ओके फाइन, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कंप्लीट होता हुआ, मूविंग फॉर द क्रेडिट साइड स्टूडेंट्स, कैपिटल अमाउंट दिया हुआ सबसे पहले हम लोग को 2,00,000 रुपया, बताओ स्टूडेंट्स 2,00,000 - 8,000 कितना होगा, दैट कम्स टू 1,92,000। ग्रेट, आरडीडी दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आरडीडी दिया हुआ है मतलब ये बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला हमें लिखना है, अब बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिखना है तो एज ऑलवेज मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाकर एक बार बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला कहीं ना कहीं से उधार लेके आ रहा हूँ, सो दैट इज मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बैड डेब्ट्स, आपको अच्छे से लर्न करना है, बैड डेब्ट्स आरडीडी, आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट, ट्रायल बैलेंस, बीच के दो एडजस्टमेंट, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, टोटल चार पार्ट है जिसका जो फर्स्ट और लास्ट है वो हमें ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। देखो स्टूडेंट्स, क्या हमें अब तक बैड डेब्ट्स मिला है क्या कहीं पे भी, क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट में बैड डेब्ट्स मिलता है, लेकिन बैड डेब्ट्स अब तक हमें ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं मिला है, तो इधर मैं डैश डैश कर दूंगा बिकॉज वो नहीं मिला है। अब ट्रायल बैलेंस में मुझे आरडीडी मिला, दैट इज माय नंबर 4, कितना अमाउंट है आरडीडी, 1,000 रुपीज है। ओके, तो यहाँ पे मैं 1,000 रुपीज लिख दूंगा, फाइन। तो आप लोग को लर्न करना है टू बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी, तो जो फर्स्ट है स्टूडेंट्स बैड डेब्ट्स और जो लास्ट है ओल्ड आरडीडी, वो हमें ट्रायल बैलेंस में ही मिलता है। तो मैंने बैड डेब्ट्स यहाँ पे डैश डैश कर दिया बिकॉज वो मुझे ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आज इस समय नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव सेल्स 38,750, चलो सेल्स 38,750 है, 38,750 माइनस 750 कितना हो जाएगा, 38,000 हो जाएगा। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न, 455 दिया हुआ है, तो 29,455 माइनस 455 विल कम टू हाउ मच, 29,000। क्रेडिटर्स 47,000, अच्छा क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो कितनी लाइन चाहिए, थोड़ी बहुत तो लाइन चाहिएगी, काफी सब कुछ आने वाला है, 1, 2, 3, 4, 5 देख लेंगे। और क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 47,000, इसमें एडजस्टमेंट है, ओके एडजस्टमेंट है 47,000। नेक्स्ट आफ्टर दैट बिल्स पेबल है 8,000, बिल्स पेबल 8,000 है। एंड फाइनली डिस्काउंट दिया हुआ है, और डिस्काउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, तो जो डिस्काउंट क्रेडिट में दिया तो उसका अमाउंट भी क्रेडिट से आएगा, एंड द अमाउंट इज गिवन टू अस 1,845। ग्रेट, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा ट्रायल बैलेंस पूरा का पूरा कंप्लीट होता हुआ, नाउ मूविंग फॉर द एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट के सारे दो इफेक्ट होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मैं 58,000 लिखूंगा, विच एवर इज लोअर वाला अमाउंट यूज करेंगे हम लोग 58,000। तो एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दिया स्टूडेंट्स, और एक यहाँ पे मैं बैलेंस शीट असेट साइड लिख रहा हूँ, बैलेंस शीट असेट। तो दो इफेक्ट डाल दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज राइट ऑफ 1200 एज बैड डेब्ट्स, चलो ऑप्शंस बैड डेब्ट्स, अब हमें ये ट्रायल बैलेंस में दिया, सॉरी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो इधर मैं क्या बोलूंगा, ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, मेरा बैड डेब्ट स्टूडेंट्स कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे डेटर्स कर सकते हैं, आपको समझ रहा है। तो लेस फ्रॉम डेटर्स करेंगे, सबसे पहले डेटर्स से लेस कर देंगे 1200, बताओ 50,800 माइनस 1200 कितना होगा, 49,600 होगा। तो स्टूडेंट्स ये 1200 यहाँ से माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला में डाल दूंगा, ये फर्दर बैड डेब्ट्स है, तो ये हमारा फॉर्मूला में नंबर 2 वाला आ जाएगा 1200 रुपया फॉर द बैड डेब्ट्स। उसके बाद लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, चलो तो वही पे कंटिन्यू करेंगे फिर से, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स, तो इसको मैं आरडीडी नाम दूंगा, और कितना परसेंट आरडीडी स्टूडेंट्स, 2% है सिर्फ और सिर्फ 2% है, चलो देखते 2% कितना होगा। तो स्टूडेंट्स 4
49,600 का खाली 1%, दो जीरो कट कर दो तो 496 1% होता है, तो डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 6 12 वन कैरी 9 19 वन कैरी और 992 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 992 तो 49,600 में से 992 माइनस करेंगे, लेट्स डू दैट, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से ओके फिर 5, 15 में से 9 गया तो 6 एंड फाइनली 8, तो 48,000 आ जाएगा, 48,608 आ जाएगा, 48,608 9 का 8 हो जाएगा बराबर, तो 48,608 स्टूडेंट्स सेकंड इफेक्ट डालेंगे, ये आरडीडी था स्टूडेंट्स हमारा और हमें एडजस्टमेंट में मिला, एडजस्टमेंट मिला ये हमारा नंबर 3 वाला ये है और अमाउंट है 992 ग्रेट। तो स्टूडेंट्स बैड डेब्ट वाला अगर पूरा पार्ट देखेंगे, चार में से सिर्फ एक पार्ट हमें नहीं दिया, बाकी तीन हमें मिल गए, एक हमें एडजस्टमेंट मिल, दो एडजस्टमेंट मिल गया और एक ट्रायल बैलेंस में मिला था। इसको आउटर कॉलम में डालेंगे, 1200 में से 1000 गया तो 200 बचेगा, तो ये 1192 हो जाएगा, 1192। और यहाँ पे मेरा एडजस्ट नंबर 2 आधा कंप्लीट हो गया है, अब आगे बढ़ेंगे, ऑल्सो क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। चलो तो स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स के ऊपर भी डिस्काउंट लगेगा और डिस्काउंट यहाँ पर एट द रेट 5% है, तो 4,47,000 है ना, तो 4,700 का आधा कर लेंगे तो 2 आएगा, फिर 1,7 ना, 1,7 मतलब तो 1,7 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा फाइन, फिर 1,5,50 2,850 लग रहा है स्टूडेंट्स मुझे, 4 नहीं एक से रुक जाओ, सबसे पहले 2 आएगा फिर 7 ना, तो 3 आएगा फिर 2,350 ओके 2,350 स्टूडेंट्स माइनस करेंगे 2,3 तो 300 700 जाएगा, चलो ठीक है माइनस करेंगे 2,350 तो 47,000 में से 2,350 माइनस करके कितना आएगा, सबसे पहले तो 0 आएगा, फिर 10 में से 5 गया तो 5 आएगा, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा और 6 में से 2 गया तो 4 आएगा, तो स्टूडेंट दैट इज 44,650। और स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स का लेस होना, क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई तो अच्छी बात है, बाय डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट दिया है तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए इनकम हो गई और अमाउंट आएगा 2,350 ग्रेट। सो मैंने दो इफेक्ट क्या डाल दिया स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स से लेस कर दो और पीएनएल क्रेडिट डाल दो, वाह वाह। आइए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लूज टूल, चलो ठीक है अभी लूज टूल तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डेप्रिशिएट करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 55,000 दिया है, एडजस्टमेंट में बोला है कि अब वो वैल्यू 52,000 हो गया, तो लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, कितना माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 52,000 आएगा मुझे बताओ, तो ऑब्वियसली 3,000 माइनस करेंगे, 55 में से 3,000 माइनस करेंगे तब जाके वो 52,000 आएगा, और फर्नीचर में हमें बोला है डेप्रिशिएट करना है एट द रेट, चलो तो 10% पर एनम करेंगे, 10% पर एनम तो 15,000 का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स, 1,500 हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट आएगा 13,500 ग्रेट। दोनों का सेकेंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, क्या है लूज टूल्स और फर्नीचर का सेकेंड इफेक्ट डालेंगे, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट साइड, लेस फ्रॉम असेट और पीएनएल के डेबिट में डालेंगे बिकॉज असेट कम होना तो बुरी बात है, लूज टूल्स का 3,000 रुपया और फर्नीचर का 1,500 तो टोटल कितना देगा आउटर कॉल में 6,500 हमने डेप्रिशिएट कर दिया है ग्रेट। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी 1,000 रुपया, चलो पहले सैलरी का लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,000 तो 5,000 प्लस 1,000 विल कम टू हाउ मच 6,000 ओके। और सैलरीज स्टूडेंट्स क्या करें, आउटस्टैंडिंग खर्चा हमेशा ऐड होगा, सैलरीज में कितना आउटस्टैंडिंग है 225 आउटर रोल में कितना आ जाएगा, लेट मी जस्ट चेक 225 ना तो 2,570 वन कैरी 7 ओके 3 + 2 5 और 2 हाँ 2,570 दोनों का सिग्निफिकेंट डालेंगे क्या है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओके आउटस्टैंडिंग में क्या था एक सैलरीज है जिसका अमाउंट 1,000 था और सैलरीज का वेजेस है और वेजेस का अमाउंट कितना दिया 225 तो आउटर कॉलम में आएगा 1,225 ओके तो स्टूडेंट्स दोनों को ऐड कर दिया और सिग्निफिकेंट लाइबिलिटी में डाल दिया मैंने ओके ग्रेट चलो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे अब हम फाइनली चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो स्टूडेंट्स देखो अब मैं तुम बता रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा बिकॉज कैपिटल एक है ना इंटरेस्ट चढ़ता है कभी भी तो कैपिटल के ऊपर वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कितना परसेंट बोला है 2% बोला हुआ है तो देखो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल हमें 2,00,000 दिया है 2,00,000 का 2% कितना होगा
1% हो जाएगा, तो 4000 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा, दैट विल कम टू 1,96,000। ठीक है, और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चलो मुझे यहाँ पे लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स कितना दिया, 8000 दिया, और 8000 का 10% कितना होता है स्टूडेंट्स, 800 रुपया होता है, तो 1,96,000 में से अगर 800 लाइक्स करें तो 1,95,200 आ जाएगा, बराबर 1,95,200 इसको लेस करना है ना हमें। ओके और स्टूडेंट्स देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लेस कर दिया, आप दोनों का सेकंड इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ऐड हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो बुरी बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अमाउंट कितना दिया था हमें 4000 रुपीज, क्योंकि हमारा कितना 2% था ना, 4000 रहेगा। और स्टूडेंट्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये हमारे लिए इनकम होता है, ओके बिकॉज से लाइबिलिटी कम हो रही है मेरी इंटरेस्ट ड्रॉइंग, और उसका अमाउंट कितना था हमारा 800 रुपया, 10% दिया हुआ था इसीलिए। फाइन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा सम हो गया कंप्लीट, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, मैं एक बार के लिए बस देख ही रहा था कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, तो मुझे तो फिलहाल कोई हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, ग्रेट। तो यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट होता हुआ, बस थोड़ी बहुत लाइंस में हटा रहा हूँ जो हमको जरूरत नहीं है फिलहाल। ओके तो चलो स्टूडेंट्स अभी सम को टैली करने की ओर बढ़ेंगे, और सम को टैली करने के लिए आई नीड अ बुक एंड अ पेन, यहाँ से मैं एक बुक और पेन ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं सम को टैली करने वाला हूँ। ग्रेट, सो क्या दिया सबसे पहले 38 और 58, ओके जस्ट लेट मी चेक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, ओके बाकी सारे तो हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। ओके 38 एंड 58 कितना होगा 96,000 आएगा स्टूडेंट्स, 8861 कैरी 96,000, ये 96 है तो यहाँ पे भी 96,000 आएगा। अब 96,000 में से स्टूडेंट्स हमें माइनस करना है, लेट मी जस्ट चेक करके माइनस करेंगे 29,000, और ये कितना हो जाएगा 41, ओके 41, तो 96,000 में से ये कितना हो रहा है देखो 29,000 प्लस 231 होता है, ये पूरा 10 हो गया, 41 हो गया, 41,070, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, तो 54,930 आ रहा है स्टूडेंट्स, 54,930। चलो यहाँ देखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, और अमाउंट आएगा 54,930। ग्रेट, चलो स्टूडेंट्स 54,930, और ये कितना है 1,845, फिर कितना है 2,350, और 800 रुपये, बराबर। चलो तो ये 5 आ जाएगा, 3 + 9 = 12, 1 carry 10 18 18 + 3 = 21, 2 carry 6 7 8 9, और ये 59,925, ओके सो आई विल राइट ओवर हियर 59,925, ये हमारा क्रेडिट साइड हैवी लग रहा है 59,925, यहाँ पे भी लिखते हैं 59,925। चलो अब क्या करेंगे हम लोग डेबिट साइड चेक करेंगे, देखो ये 6 है, 6 और 3 9 9 10 11 11 और 2 12 13 13,200, ये कितना है 1,192, और ये 4 और 4.5 कितना होगा 8,500, 8,500, तो 2,9,8,9,12 to 2,22,892, तो स्टूडेंट्स क्या करें माइनस करेंगे 59,925 - 22,890, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया तो स्टूडेंट्स 3 बचेगा और 8 तो 0 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 5 से 2 गया तो 3, 37,033, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ओके। चलो स्टूडेंट्स अभी हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट कितना आया था 37,033, ओके तो ये तो स्टूडेंट्स कितना होगा 233 हो जाएगा पीछे,
यहाँ पे टू आ जाएगा, 5 + 7 कितना होता है, टू होता है, तो 1 कैरी 10, 3 हो जाएगा, 1 कैरी और ये 2। ओके फिर से एक बार मेरे को चेक कर दो, 95 था ना, तो 2 लाख 32 हो जाएगा, 233, 2 लाख 32,000, 230। चलो ठीक है, तो कितना होना स्टूडेंट्स, 2 लाख 32,000, 233, 2 लाख 32,000, 233। ओके ये कितना है, 44 + 8 कितना होता है, 52,650, 52,650, और ये कितना है, 1,125, 1,225, 1,225, ग्रेट। 8, 0, 1 कैरी, 6, 10, 11, 1 कैरी, 4, 5, 6, 8, 2,86,108। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 2,86,108। अच्छा मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, एसेट साइड भी कैलकुलेट करके चेक करना है कि अमाउंट सेम है कि अलग है। ओके तो सबसे पहले ये कितना है अपना, 52 + 13 कितना होता है, 65, 75, 85, 85। चलो तो इतना कितना स्टूडेंट्स, 85,500 है। सबसे पहले 85,500, ओके 85,500 के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा, हाँ 52, 65, 75, हाँ ठीक है, ये कितना है, 60, 60 और 48, 1,08,608, 1,08,608। ओके ये कितना है, 88, 92,000, तो 58, 58, 60, 78 और 92,000। चलो ये 92,000 हो गया, तो ये 8 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 10, 5, 1 कैरी, ओके कितना हो जाएगा ये, 1 कैरी, तो 8 + 5 = 13, 14 = 15 और ये 16, तो 6 + 8 = 14, 15 = 16, 1 कैरी, 9 + 9 = 18, 1 कैरी। ओके सो स्टूडेंट्स कितना आ रहा है हमारा, 2,86,000 एग्जैक्ट आ रहा है, 2,86,108। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,86,108, टडिंग टडिंग। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट, दैट्स वेरी नाइस। 14, 13, 14, 15, 16। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सम हो गया कंप्लीट, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द एंटायर सम अच्छे से एकदम, मैंने पूरा सारा सम आपके लिए टैली करके दे दिया है। स्टूडेंट्स आपको सम समझा हो अच्छे से तो प्लीज comment and subscribe to our channel, it's very important you subscribe to our channel, we get a lot of motivation to make more and more videos for you guys, share kar lo apne sare doston mein aur phaila do phaila ka pura, okay aatank macha lo aaj to, thank you so much friends, it was nice having all of you, bye bye take care, aur aise hi hum log aur bhi videos ke sath aate rahenge aapke liye, thank you so much, bye bye।